अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम? यस मैम। मैम यस मैम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हमारा स्किन का जो सारे का सारा सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट मींस स्किन। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स, स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस, इस तरह से इसको बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम किन किन चीजों से बना हुआ है, उसमें क्या क्या कुछ शामिल है? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस, यानी कि स्किन, हेयर एंड नेल। अपेंडेजेस क्या है स्किन के? हेयर एंड नेल। तो ये तीनों चीजें मिलके, स्किन, हेयर एंड नेल, ये तीनों चीजें मिलके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनाती हैं। आज जो है वो हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के डिफरेंट पैथोलॉजिकल लीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर पेशेंट को, किसी ह्यूमन बीइंग को एक स्किन डिजीज होती है तो वो किस तरह से उसकी स्किन पे किस शेप में, किस फॉर्म में प्रेजेंट करेगी। लीजन जो बनेगा स्किन के ऊपर वो किस तरह का बनेगा, किस किस तरह के स्किन लीजन्स डिफरेंट तरह के होते हैं। तो लीजन है क्या? एन एबनॉर्मल डैमेज और चेंज इन द टिश्यू ड्यू टू डिजीज और ट्रॉमा, या तो डिजीज की वजह से या फिर स्किन को इंजरी या ट्रॉमा की वजह से लीजन बन सकता है। लीजन क्या है? एबनॉर्मल डैमेज या चेंज इन द टिश्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कॉज क्या हो सकती है? या तो डिजीज की वजह से बन सकता है या फिर वो ट्रॉमा की वजह से बन सकता है। तो स्किन लीजन जो है वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, यानी नॉर्मल स्किन की तरह बिल्कुल नहीं है, वो नॉर्मल स्किन से वो बहुत डिफरेंट है। और दैट कैन बी प्राइमरी, दैट कैन बी सेकेंडरी। प्राइमरी स्किन लीजन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एब्सेस के स्किन डिजीज इज द ओनली प्रॉब्लम। और सेकेंडरी लीजन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स के है वायरल इन्फेक्शन, लेकिन उसके साथ स्किन के ऊपर भी रैश बन रहा है, लीजन बन रहा है, ठीक है। तो मोर मेडिकल टर्म में हम उसको लीजन बोलेंगे, आप रैश भी कह सकते हैं आप जो है, लेकिन प्रॉपर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप उसको लीजन बोलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन लीजन व्हिच वी कैन सी इन वेरियस स्किन डिजीजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्यूल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट मैक्यूल। मैक्यूल एक ऐसा स्किन लीजन है जो कि फ्लैट है। फ्लैट का क्या मतलब है कि अगर हम उसे पेल्पेट करें, हम उसे फील करें, तो हमें कुछ भी फील नहीं होता, यानी कि उसका टेक्सचर पेल्पेट करने पे बिल्कुल वैसा ही है जो कि सराउंडिंग स्किन का है। मैक्यूल को अगर हम फील करें तो वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे कि सराउंडिंग नॉर्मल स्किन की फीलिंग है। सो वी कैन नॉट पेल्पेट इट, इट्स फ्लैट, इट इज नॉट रेज्ड अबव द स्किन सर्फेस, इट इज नॉट रेज्ड अबव द स्किन सर्फेस, इट इज फ्लैट, इट इज नॉन पेल्पेबल। अगर हम इसे फील करें तो कुछ भी फील नहीं होगा क्योंकि ये उभरा हुआ नहीं है। इट इज नॉट एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सर्फेस, इट इज अ फ्लैट लीजन, सो इट इज नॉन पेल्पेबल। द टेक्सचर ऑफ द लीजन, द टेक्सचर ऑफ द लीजन इज सेम एज दैट ऑफ द सराउंडिंग स्किन, सो वी कैन नॉट पेल्पेट इट, इट्स अ फ्लैट लीजन। तो फिर मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है, द कलर चेंज इज द प्रॉब्लम, ओनली द कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन, जिससे हमें पता चलेगा कि ये नॉर्मल स्किन है और ये मैक्यूल है। और दूसरी बात क्या है कि इसका डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा तो हम इसे मैक्यूल कहेंगे। इसी लीजन का अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो हम उसे पैच कहेंगे, नेक्स्ट लीजन हमारा, ठीक है। तो बिल्कुल मैक्यूल जैसा लीजन, फ्लैट लीजन, वी कैन नॉट पेल्पेट इट। अगर हम इसको हाथ लगा के फील करें तो इसका टेक्सचर नॉर्मल सराउंडिंग स्किन के टेक्सचर जैसा ही है। बात क्या है कि सिर्फ कलर चेंज है फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन, मोर ब्लैक या व्हाइट भी हो सकता है। यहाँ पे तो जो डायग्राम में हम देख रहे हैं वो है ब्लैक लीजन, है ना, कि सराउंडिंग स्किन से कलर ज्यादा डार्क है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सराउंडिंग स्किन की निस्बत कलर जो है वो रेड हो, सराउंडिंग स्किन की निस्बत कलर जो है वो व्हाइट हो, जैसे लेप्रोसी में व्हाइट स्किन लीजन मैक्यूल बनते हैं, ठीक है, हाइपोपिगमेंटेड होते हैं।
तो ये हाइपर पिगमेंटेड हमें नजर आ रहा है, बट इट कैन बी हाइपो पिगमेंटेड एज वेल, पिगमेंट उसमें कम भी हो सकता है, इसमें पिगमेंट ज्यादा नजर आ रहा है. तो एक ऐसा लियन जो कि फ्लैट है, नॉन पैल्पेबल है, इट इज नॉट रेज्ड अबव द स्किन सर्फेस, वी कैन नॉट पैल्पेट इट, वी कैन नॉट फील इट, द ओनली चेंज इज कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन एंड it is more than 1 cm in size. It is more than 1 cm in size. इसकी examples क्या हैं? आपने बच्चों के birth mark देखे होंगे face पे, abdomen पे, कहीं body पे. तो उस में आपको नजर आएगा ये. उसके अलावा burn जब heal कर जाता है बहुत पुराना, तो हो सकता है कि वो palpable हो, लेकिन हो सकता है कि वो एक सिर्फ निशान था. या कोई पुराना abscess जब heal कर जाता है, उसका निशान रह जाता है. So these can all be the examples of macule or patch. So macule will be less than 1 cm in diameter, flat and non-palpable lesion. And patch will be a lesion which is non-palpable, similar to macule but larger than 1 cm in diameter. Achha, ab macule aur patch humne padhe aur humne kaha ki wo palpable nahi hai. अगर हम उसको फील करें तो हमें कुछ भी फील नहीं होता, नॉर्मल स्किन जैसी ही फीलिंग है. जो सराउंडिंग नॉर्मल स्किन की फीलिंग है वो ही मैक्यूल और पैच की फीलिंग है. बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पेप्यूल. बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पेप्यूल. पेप्यूल इज अ पेल्पेबल लियन, उसको हम फील कर सकते हैं. अगर हम पेल्पेट करें तो वो हमें पेल्पेट होगा, हम फील करें तो वो हमें सराउंडिंग स्किन से उभरा हुआ फील होगा. Because it is elevated above from the skin surface, it is not along the skin surface. ये skin surface से elevated लिए है, इसलिए we can feel it, we can palpate it. और ये small lesion है. जब ये it's a small palpable lesion elevated above from the skin surface and it is less than 1 cm in diameter. यही papule. Palpable, elevated from the skin surface, we can feel it, we can palpate it, and it is more than 1 cm in diameter, then it will be called as plaque. फिर हम इसको plaque या plaque कहेंगे. जैसे कि ये एक psoriasis एक disease है, आप आगे पढ़ेंगे अपने integumentary system में. तो ये psoriasis का patch है, psoriasis का plaque है, patch नहीं है, plaque है. ये क्यों ब्लैक है? बिकॉज अगर हम इसको फील करें तो हम इसे फील कर सकते हैं. सराउंडिंग स्किन से इसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट फील होगा. बिकॉज द लियन इज एलिवेटेड अबव फ्रॉम द स्किन सरफेस एंड इट इज मोर देन 1 cm इन डायो. वी कैन पेल्पेट इट, वी कैन फील इट. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन, टेक्सचर भी फर्क है. इट इज एलिवेटेड फ्रॉम अबव द स्किन सर्फेस एंड इट इज मोर देन 1 cm इन डायमीटर. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ प्लाक. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ plaque. So papule, small palpable, elevated above from the skin surface lesion. और जब ये less than 1 cm है तो ये papule है, और जब ये more than 1 cm है तो ये plaque है. जब ये more than 1 cm है तो ये plaque है. For example यहाँ पे हमें psoriasis का plaque नजर आ रहा है. उसके बाद vesicle. हमने पीछे papule के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कि ये एक small लियन है, एलिवेटेड अबव फ्रॉम द स्किन सरफेस है, वी कैन पेल्पेट इट, ये पेल्पेबल है. और लेकिन हमने ये बात नहीं की कि इसमें किसी किस्म का फ्लूइड है. ये सॉलिड लियन है. इट डजंट कंटेन एनी फ्लूइड, इट डजंट कंटेन एनी पस, इट डजंट कंटेन एनी ब्लड. ठीक है, इसमें किसी किस्म का फ्लूइड नहीं है, ये एक सॉलिड लियन है. बाद में इसमें ब्लड या पस बन सकती है अगर ये इन्फेक्टेड हो जाए, इसमें फ्लूइड आ जाए, ये पॉसिबल है बाद में. लेकिन इस वक्त ये एक सॉलिड लियन है, इसमें ना तो कोई फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड, और ना ही कोई पस. ठीक है, तो अगर हमें ऐसा लियन, स्मॉल पेल्पेबल लियन मिले जिसके अंदर फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड, अ स्किन लियन विच इज स्मॉल एंड पेल्पेबल लाइक अ पेप्यूल बट इट कंटेन्स फ्लूइड इन साइड, देन ज्यादा अच्छा टर्म उसके लिए क्या है? विजिकल. फिजिकल. तो ऐसे स्किन लियन को हम क्या कहेंगे? जिसके अंदर फ्लूइड है. अच्छा, मैं कह रही हूँ फ्लूइड है, पस नहीं है. अगर पस होगी तो हम कहेंगे पस्ट्यूल.
अगर पस होगी तो हम उसे कहेंगे पस्टूल। अब इसकी क्या एग्जांपल है, चिकन पॉक्स में बनते हैं इस तरह के विसिकल्स। पहले उनमें क्लियर फ्लूइड होता है और फिर वो फ्लूइड जो है वो एक दो दिन के बाद टर्बिड हो जाता है, यानी इतना क्लियर नहीं रहता, हेजी हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, गदला गदला सा हो जाता है, और फिर वो इन्फेक्टेड होके पस भी हो सकती है उसमें। अगर टॉपिकल एंटीबायोटिक नहीं लगाएंगे तो फिर रेडिड इन्फेक्शन हो जाएगा इन लियंस में चिकन पॉक्स के केस में, तो फिर ये पस्टूल भी बन सकते हैं। और ठीक है, तो अ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड पेल्पेबल लीजन इज कॉल्ड अ विजिकल। जिसमें फ्लूइड होगा उसको हम विजिकल बोलेंगे, और जिसमें ठीक है। अब ये जैसे आप सब देख ही रहे हैं कि बर्न में ये लीजन आपको सेकेंड डिग्री बर्न में देखने को मिलते हैं। थर्ड डिग्री बर्न में तो जो है वो स्किन ज्यादा जल जाती है ना, तो इसलिए ये ब्लिस्टर्स नहीं बनते। सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर बनते हैं बिकॉज स्किन जो है वो हाफ डैमेज होती है, पूरी डैमेज नहीं होती, तो ये एडिमा से ब्लिस्टर बनते हैं। ऐसा विजिकल जो 0.5 सेंटीमीटर, विजिकल क्या है 0.5 सेंटीमीटर से छोटा, और अगर ये फ्लूइड फिल्ड विजिकल, फ्लूइड फिल्ड लियन 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो हम इसे कहेंगे बुल्ला, हम इसे कहेंगे बुल्ला। ये छोटे छोटे ये विजिकल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्योंकि ये एक छोटा स्मॉल less than 0.5 सेंटीमीटर लियन है और इसके अंदर क्लियर फ्लूइड है, तो इसको हम क्या कहेंगे विजिकल, इसको हम क्या कहेंगे विजिकल। और 0.5 सेंटीमीटर से जब ये ज्यादा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे बुल्ला, इसको हम क्या कहेंगे बुल्ला। फिर ये इनको खुद से रप्चर नहीं करना होता, बस इनके ऊपर आपने फॉर एग्जाम्पल बर्न भी हम आगे पढ़ेंगे तो इन पे आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक पॉलीफेक्स लगानी होती है। ज्यादा एरिया है तो ओरल खाते हैं एंटीबायोटिक ताकि इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन नहीं होगा तो फिर बर्न जो है वो हील करेगा। तो ये जो स्मॉल लियन है लेस देन 0.5 सेंटीमीटर और इसमें क्लियर फ्लूइड है, ये होगा विजिकल, ये भी होगा विजिकल, ये भी होगा विजिकल, ये भी विजिकल, लेकिन ये क्या होगा बुल्ला, ये क्या होगा बुल्ला। ठीक है, तो इस तरह स्किन डिजीज के लियंस के आपको नाम पता होंगे। ये सारे के सारे स्किन लियन आगे और भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन्ना हॉस्पिटल के स्किन डिपार्टमेंट में चले जाएं आपको ये सारे लियन पड़े हुए मिलेंगे वहां, या कभी ओपीडी का चक्कर लगाएं, ये सारे के सारे लियन आपको कम्युनिटी में अपने इर्द गिर्द और खासतौर पर हॉस्पिटल के जिल्द वार्ड में, स्किन वार्ड में आपको सारे के सारे पड़े हुए मिलेंगे। तो दैट विल बी ऐसा विजिकल जो 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा है, दैट विल बी आ बुल्ला। अच्छा, अब हमने बात की कि क्लियर फ्लूइड है छोटे स्मॉल पेल्पेबल लियन में, क्लियर फ्लूइड है तो वो विजिकल है, और अगर वो फ्लूइड पस है तो वो पस्ट्यूल है, मोर एक्यूरेटली देन वी विल कॉल इट अ पस्ट्यूल। अच्छा, इन सारे लियंस में से जो फ्लूइड निकलता है तो वो बाहर निकल के एक ड्राई क्रस्ट बनाता है। ठीक है, इन सारे लियंस ने वही तो नहीं ना पड़े रहना, आखिर वो उनका कवर ब्रेक डाउन करता है और उनमें से जो भी पस है, फ्लूइड है, व्हाटएवर, वो बाहर निकल के स्किन के ऊपर एक ड्राई एग्जुडेट बनाता है जिसको कहते हैं क्रस्ट, या आम लैंग्वेज में उसको आप स्कैब, स्कैब भी कहते हैं। तो इसके नीचे हीलिंग हो रही होती है, ये जब फ्रेश होता है तो इसको नहीं उतारते, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, स्किन डैमेज होता है, इसके नीचे हीलिंग हो रही होती है। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाता है तो फिर आप इसे उतार देते हैं, क्योंकि नीचे जो हीलिंग का प्रोसेस है, बल्कि ये खुद ही उतर जाता है। जब अच्छी तरह हीलिंग हो जाती है तो या तो वो खुद उतर जाता है, या आप देखते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया और इसके नीचे स्किन जो है वो बिल्कुल हील हो गई होगी, तब आप इसे उतार देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है क्रस्ट, किसी भी विजिकल से, बुल्ला से या पस्टूल से जो फ्लूइड है वो बाहर निकल के ड्राई एग्जुडेट क्या बनाएगा क्रस्ट, क्रस्टिंग करेगा, क्रस्ट बनाएगा। अच्छा जी, ये क्या है हाइपर केराटोसिस। लेक्चर के एंड में आपको स्किन की कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगी गूगल पे, जिसमें के स्किन की एनाटॉमी हम देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि स्किन इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन लेयर्स, अपर वन इज द एपिडर्मिस एंड द लोअर इज द डर्मिस। फिर एपिडर्मिस के ऊपर कैरेटिन की लेयर है। कैरेटिन क्या है, एक प्रोटीन है। कैरेटिन एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को, सारी की सारी स्किन को लाइन करती है, उसके ऊपर एक लेयर बनाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रोटेक्ट आवर
integumentary system our skin from the external dehydration environment bacteria viruses एक protective layer बनाती है keratin. हमारी जो epidermis है वो stratified squamous epithelium है keratinized. ठीक है जी, stratified squamous epithelium. हमारी जो skin की epithelium है वो है stratified squamous epithelium. Stratified का क्या मतलब होता है? Layers one above the other. तो epidermis जो है हमारी, उसकी अपर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की हमारी जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम है. और वो कैसी एपिथीलियम है? वो केराटिनाइज्ड है. ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम दो तरह की होती है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड. तो स्किन के ऊपर हमारी एपिडर्मिस जो एपिथीलियम है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम. तो एपिडर्मिस ऊपर होती है और डर्मिस उसके नीचे होती है, फिर उसके नीचे सबकुटेनियस पैट होती है. तो एपिडर्मिस की फाइव लेयर्स होती हैं. एपिडर्मिस की जो सेल्स होते हैं उनकी फाइव लेयर्स होती हैं. सबसे नीचे बेसल, जिससे सारी ऊपर वाली लेयर्स बनती हैं आहिस्ता आहिस्ता, पिक्चर में हम देखेंगे. तो एपिडर्मिस की फाइव लेयर्स होती है. सबसे नीचे बेसल होती है, बीच में स्पाइनोजम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोजम, तीन बीच में ये होती है. और सबसे ऊपर वाली जो एपिडर्मिस की लेयर होती है उसे कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम. स्ट्रेटम का क्या मतलब होता है? लेयर. स्ट्रेटम एक लेयर, स्ट्रेटा ज्यादा लेयर्स. तो स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट सेल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जब बहुत थिक हो जाए तो इसको हम कहेंगे हाइपर केराटोसिस. हाइपर का क्या मतलब है? ज्यादा होना. केराटोसिस मीन स्किन के सेल्स, केराटिन प्रोटीन. ठीक है, the thickness of the stratum corneum which is the uppermost layer of the epidermis is called hyperkeratosis. aur wo is tarah ka nazar aayega. iske baad parakeratosis, ye bhi hyperkeratosis hai. acha usme kya ho raha hai ki jo purane dead cells hain wo khatam nahi ho rahe, turnover nahi ho rahe, wo gir nahi rahe, wo udhar hi rahe ja rahe hain. theek hai, wo usko skin jo hai wo retain kar rahi hai, pure ke pure purane cells ko retain karegi to ye hyperkeratosis hoga na. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ न्यूक्लियस रिटेन हो रहा है, बाकी सेल शेड कर जाता है. सिर्फ न्यूक्लियस शेड नहीं करता, न्यूक्लियस उधर ही रह जाता है. तो दैट विल बी कॉल्ड पैराकेराटोसिस. ठीक है, ऐसा हाइपरकेराटोसिस इसमें बाकी सेल जो सेल है ओल्ड सेल वो तो डिन्यूड हो जाता है लेकिन उसका न्यूक्लियस रह जाता है, तो उसको हम कहेंगे पैराकेराटोसिस. एकेंथोसिस, यहाँ पे हमने क्या बात की कि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि अपर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, उसकी थिकनिंग हो गई है, उसके सेल्स. स्ट्रेटम कॉर्नियम की एक लेयर होनी चाहिए, यहाँ पे 10-15 लेयर्स है फॉर एग्जांपल. तो ये हो गया हाइपरकेराटोसिस. ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि एपिडर्मिस की सारी ही लेयर्स जो है वो, जो पांचों लेयर हमने बात की सारी एपिडर्मिस थिक हो गई. ये क्या है? एकेंथोसिस. नाइग्रिकेंस भी इसको बोलते हैं. नाइग्रिकेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज ब्लैक. ये देखने में ब्लैक नजर आता है, नीग्रो से नाइग्रिकेंस. ठीक है, तो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस क्या है? थिकनिंग ऑफ द होल ऑफ द एपिडर्मिस. कोई एक लेयर जो है एपिडर्मिस की वो उसकी ज्यादा नहीं हुई, सारी की सारी लेयर्स ही जो है वो ज्यादा हो गई, तो उसको हम कहेंगे थिकनिंग ऑफ द होल ऑफ द एपिडर्मिस, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस. ये हमें कहाँ मिलेगा? ओबीस पेशेंट के स्किन फोल्ड्स में मिलेगा, गर्दन के पीछे, आर्म पिट्स में, ओबीस पेशेंट के अंदर हमें मिलेगा, और डायबिटिक्स में हमें मिलेगा. इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो करता है ये एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस. ठीक है जी, स्पॉन्जियोसिस क्या है कि जब पेशेंट को एडिमा होता है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. फ्लूइड कहाँ होना चाहिए? सेल के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर. तो जब वो सेल्स के बाहर, ब्लड वेसल्स के बाहर फ्लूइड आएगा तो हम उसे कहेंगे कि एडिमा. इंटरस्टिशियल स्पेस में जब फ्लूइड आ जाएगा एज अ डिजीज प्रोसेस तो उसको हम कहेंगे एडिमा हो गया. तो एडिमा में हमारे पास ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये क्योंकि डर्मिस से आ रहे होते हैं तो ये अपनी जगह पे ही रहते हैं, ये एडिमा में बाहर की तरफ नहीं आते, इतनी स्वेलिंग नहीं होती. तो जहां पे हेयर फॉलिकल होता है वो जगह अपनी नॉर्मल स्पेस पे रहती है और बाकी जगह जो है वो
उसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो इससे एक अपीयरेंस बनती है जिसको कहते हैं स्पॉन्जियोसिस। क्यों बनती है ये स्पॉन्जियोसिस? एपिडर्मल एपिडर्मस के जो इंटरसेलुलर एडिमा, ठीक है, यानी सेल्स के अंदर नहीं है, वॉटर कंटेंट जो है वो अब सेल्स के बाहर है और इसने एडिमा किया है, वाइडनिंग ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड इट विल कॉज स्पॉन्जियोसिस। एक टिपिकल अपीयरेंस स्पॉन्जियोसिस। एक एंथोलाइसिस, एपिडर्मल सेल्स एक दूसरे के साथ इंटैक्ट नहीं। जी बेटा बोले। मैम स्पॉन्जियोसिस दोबारा बताइएगा प्लीज। जब पेशेंट को एडिमा होता है तो आप गौर करें कि उसकी जो हेयर फॉलिकल है ना वो अपनी नॉर्मल जगह पे ही रहते हैं और बाकी स्किन जो है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, बाकी स्किन जो है वो उसका एडिमा हो जाता है। तो वो एक टिपिकल अपीयरेंस आप इसको देखें तो टिपिकल अपीयरेंस आपको उस तरह की नजर आएगी कि हेयर फॉलिकल अपनी नॉर्मल जगह पे हैं जहां पे वो पहले थे। पहले तो सारी स्किन एक ही लेवल पे थी ना, अब बाकी जगह तो स्वेल हो गई है लेकिन जहां जहां हेयर फॉलिकल है वो अंदर की तरफ ही रहेगा। हेयर फॉलिकल क्योंकि डर्मिस से निकल रहा है तो वो इतना बाहर नहीं आता, वो उसकी ओरिजिन जो है वो डीप है। तो दिस विल गिव एन अपीयरेंस दैट विल बी कॉल्ड स्पॉन्जियोसिस। एडिमा में इसको हम कहेंगे स्पॉन्जियोसिस। एक एंथोलाइसिस क्या है कि एपिडर्मल सेल्स जो हैं जो कि आम हालत में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आजाद फिर रहे हैं। दे हैव गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो पहले एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच थे नॉर्मल स्किन में। यहाँ क्या है, एपिडर्मल सेल्स दे आर सेपरेटेड वन फ्रॉम द अदर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो फिर रहे हैं। तो एक डिजीज है सिस्टेमिक सक्लेरोसिस। सिस्टेमिक सक्लेरोसिस, ये जो पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये सिस्टेमिक सक्लेरोसिस का पेशेंट है। आहिस्ता आहिस्ता सारे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो डैमेज होता चला जाता है और स्किन जो है वो खिंचती चली जाती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक सिस्टेमिक सक्लेरोसिस का पेशेंट है, उसमें जब इस तरह की अपीयरेंस बनती है तो उसको कहते हैं एक एंथोलाइसिस, विच इज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स वन फ्रॉम द अदर एंड द सेल दे रोम अबाउट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक एंथोलाइसिस। आपके जो वाइवा के लिहाज से इंपॉर्टेंट लियन है वो ये एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस तक है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ज्यादा एडवांस लियन है ये आप बस देख लें, बिकॉज यू विल सी ऑल दीज थिंग्स इन द कम्युनिटी। जब इन चीजों को आप देखें तो आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को बताना है कि आपको एक्ने है, किस किस्म का एक्ने है, क्या उसमें पस्ट्यूल्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपको इन सारे, तो जो जिस एक्ने में पस्ट्यूल्स होते हैं वो बहुत सीवियर होता है, ठीक है, पस कंटेनिंग जिसमें एक्ने एक्ने में जो लियंस बनते हैं तो वो मोर सीवियर एक्ने होता है। सो यू कैन डिस्क्राइब द थिंग्स in a very good manner if you know all this skin lesions medical terminology. तो ये मकसद है आपको ये पढ़ाने का। उसके बाद next हमारा क्या है, last lichenification. lichenification देखें, हर skin lesion या तो itchy होगा या non itchy होगा, painful होगा या painless होगा। स्किन लियन के बारे में जब भी आप डिस्कस करते हैं आपने नेक्स्ट बात क्या बतानी होती है, whether it is खारिश है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्केबीज, खारिश का जो पेशेंट है उसके जो स्किन लियन स्केबीज की वजह से बनते हैं उन पे बहुत खारिश होती है। डिजीज ही खारिश, उसका नाम ही खारिश है। खैर स्केबीज हम आगे स्किन में पढ़ेंगे। हम स्किन के सारे बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, पैरासिटिक डिजीजेस और फंगल डिजीजेस ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज स्किन कार्सिनोमास। 5 लेक्चर एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पे, उसमें हम ये चीजें और बर्न भी हम पढ़ेंगे, बर्न के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, लाइकेनिफिकेशन की बात हो रही है तो स्किन लियन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट बात हम ये बताते हैं कि विदर इट इज देर इज इचिंग और नॉट। लियन जो है वो इची है या नॉन इची है, लियन पे खारिश होती है या खारिश नहीं होती। तो ऐसा लियन, स्किन लियन फॉर एग्जाम्पल ये स्केबीज है या सोराइसिस के लियन पे भी खारिश होती है तो पेशेंट उसको बहुत बुरी तरह बार बार स्क्रैच करता है जिसकी वजह से स्किन डैमेज होती है। इससे पहले कि वो डैमेज रिकवर कर सके, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस उसको टेक ओवर कर सके, वो ठीक हो जाए, पेशेंट फिर स्क्रैच करता है। तो इतने ज्यादा ट्रॉमा को स्किन कैसे बर्दाश्त करे, तो स्किन वहां से हो जाती है थिक, ठीक है,
लेकिन जो स्किन के फोल्ड्स है, स्किन के अंदर जो मार्किंग्स होती हैं, वहां पे चूंकि नाखून नहीं पहुंचता, पेशेंट बाहर बाहर खुजाता रहता है, बाहर बाहर खारिश करता रहता है, वो स्किन डैमेज होती जाती है। लेकिन जो डीप जगह होती है वो थोड़ी बच जाती है, तो इसलिए वो मोर प्रोमिनेंट हो जाती है। स्क्रैचिंग की वजह से ये सारा मसला पैदा हो रहा है। तो बाकी सारी जगह तो बार बार स्क्रैच करने से डैमेज हो गई, लेकिन जो स्किन मार्किंग्स थी वो थोड़ी सी बच गई, क्योंकि वो डीप है, वहां तक नाखून नहीं पहुंच पाता उस तरीके से जैसे बाहर वाली जगह पे पहुंचता है। वैसे यहाँ इंटरनली नहीं पहुंच पाता, तो ये जो लाइंस हैं ये पहले से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो हम इसको कहते हैं लाइकेनिफिकेशन। ये हालत ना हो जाए जाके, इसलिए पेशेंट को जो इच्ची स्किन लियंस है उसमें एक तो खारिश करने से मना करते हैं, छोटे बच्चों के हाथों पे वो जो है गॉज पीसीज वगैरह लपेट देते हैं कि, या उनके नाखून काट देते हैं, ये सब काम करते हैं। पेशेंट को भी चाहिए अपने नाखून काटे अगर उसे ऐसा कोई लियन है, ताकि क्योंकि नेल ट्रॉमा करेगा। दूसरी बात कि उसको एंटीहिस्टामिन देते हैं, ठीक है, खारिश करने से, और खारिश होती है क्यों, खारिश करने से हिस्टामिन रिलीज होती है, ट्रॉमा होता है टिश्यू को, हिस्टामिन रिलीज होती है, हिस्टामिन से और खारिश होती है। तो जितनी खारिश करेंगे उतनी खारिश ज्यादा होती चली जाएगी, उतनी हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होगी। तो ऐसे पेशेंट को टॉपिकल एंटीहिस्टामिन क्रीम्स भी देते हैं और ओरल एंटीहिस्टामिन टैबलेट, रिजिक्स 10 mg टैबलेट, ज़र्टेक 10 mg टैबलेट, एविल 10 mg, ये सब कुछ भी देते हैं। 1 HS एक गोली रात को। एक तो उसमें थोड़ी नींद होती है एंटीहिस्टामिन में, और दूसरा ये कि ये चीज नहीं होती, क्योंकि रात को तो पेशेंट को दुनिया जहान का और कोई काम ही नहीं है, वो फारिग बैठा जाता रहता है, दिन में तो वो बिजी है, उसका ध्यान बटा हुआ है, इतनी अपनी खारिश की तरफ उसका नहीं है अटेंशन, लेकिन रात में मरीज होता है और खारिश होती है। तो इस वजह से एंटीहिस्टामिन देनी बहुत जरूरी होती है, और इन चीजों को जो है वो हाइड्रेट रखना जरूरी होता है, मॉइस्चराइज रखना जरूरी होता है। ऐसे किसी स्किन लियन पे हमने क्या करना है, एक तो इचिंग को प्रिवेंट करना है, एंटीहिस्टामिन देने, नाखून काटने, और हमने इसको क्या करना है, इसको मॉइस्चराइज करना है। फिजियोजेल, एलोवेरा जेल, नारियल का तेल, ठीक है, बेहतरीन नेचुरल मॉइस्चराइजर कौन से हैं, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल, और भी बहुत सारी चीजें, आलमंड ऑयल, लेकिन अभी मेरे जहन में यही चीजें आ रही हैं। तो या कोई भी हजारों मॉइस्चराइजर मार्केट में अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, तो इस चीज को, वेजलीन पेट्रोलियम जेली, वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर्स, पेट्रोलियम जेली, जितनी सादा होगी, जितनी उसमें खुशबुएं नहीं होंगी, जितने उसमें कलर नहीं होंगे, उतनी बेहतर है। मैम ऑलिव ऑयल कर सकते हैं? हाँ जी, वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इनसे इसको, इस चीज को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है, बल्कि हर, इसको नहीं, हम सबको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना एंटी एजिंग होता है, और स्किन की इंजरीज को, स्किन की डिजीजेस को, स्किन के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ना स्किन पे, सो दैट उसका वाटर कंटेंट लॉस ना हो। तो इट विल लीड टू अ हेल्दी स्किन इफ वी आर प्रॉपरली मॉइस्चराइजिंग अवर स्किन ऑन डेली बेसिस, तो ये हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबको चाहिए कि दिन में 3-4 मरतबा अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं हाथ, जो खासतौर पे सन एक्सपोज्ड एरियाज हैं वहां पे, क्योंकि सन एक्सपोज्ड एरियाज जो है वो ज्यादा वहां से वाटर लॉस होता है। अच्छा जी, कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको देख के हमें पता चलेगा कि हाँ ये कोई स्किन डिजीज जो है ना ये पेशेंट को है? तो ये पीछे सारे जो हमने लियंस पड़े हैं, ठीक है, इस तरह का कोई भी लियन आपको नजर आए, इस तरह कोई भी रैश आपको नजर आए, स्किन बहुत ड्राई हो जाए, स्केल्स उतरे हैं उसके, स्किन उतर रही है, पीलिंग स्किन, अल्सर्स बने हुए हैं। अल्सर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ द एपिथीलियम एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, डिन्यूडेशन ऑफ द एपिथीलियम कह दें, या एब्सेंस ऑफ द एपिथीलियम। मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम केराटिनाइज्ड, ये हमारी स्किन को लाइन करने वाली हमारी स्किन की एपिथीलियम, ये एपिथीलियम किसी जगह से लॉस हो जाए तो हम कहेंगे कि ये अल्सर बना हुआ। स्टमक की एपिथीलियम एक जगह से लॉस हो जाए, स्टमक अल्सर। ड्यूडिनम में एपिथीलियम है, ठीक है, कुबर्डल एपिथीलियम, वो किसी जगह से लॉस हो जाए 1 cm से, 0.5 cm से, 2 cm से, ड्यूडिनल अल्सर, ठीक है। तो अल्सर क्या क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ द एपिथीलियम एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। फिर उसका साइज 0.5 cm हो सकता है, 1 cm हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है। तो अल्सर इज एब्सेंस ऑफ द एपिथीलियम। ओपन सोर्स और लियंस, लियंस जो सारे हमने पीछे पढ़े हैं, ड्राई क्रैक स्किन, डिसकलर्ड पैचेस जो हमने पीछे
प्लाक पढ़ा है और हमने पैच पढ़ा है खासतौर पे, और हमने सबसे पहले जो है वो मैक्यूल पढ़ा है, मैक्यूल और पैच, ठीक है। छोटा मैक्यूल होता है, बड़ा पैच होता है, छोटा पेप्यूल होता है, बड़ा प्लाक होता है। जैसे कि आप जब दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है कि ओल्ड एज में स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में एजिंग की वजह से क्या क्या तब्दीलियां आती हैं और उन तब्दीलियों के क्या क्या नुकसान होते हैं, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेम सेल प्रोडक्शन डिक्लाइंस विद एज। स्टेम सेल्स का क्या मतलब होता है? मैंने आपसे कहा कि एपिथेलियम की 5 लेयर्स होती है, जिसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो होती है बिजेल, स्ट्रेटम बिजेल। स्ट्रेटम का क्या मतलब होता है? लेयर। स्ट्रेटम बिजेल एपिथेलियम की सबसे नीचे वाली डीप वाली लेयर है, जिससे सारी दूसरी लेयर्स बनती है, ठीक है। नीचे वो बिजेल है, वो सेल्स ऊपर आके स्पाइनोजम बना देंगे, ल्यूसीडम बना देंगे, ग्रैंडोजम बना देंगे, सबसे ऊपर जाके वो कॉर्नियम बना देंगे, उसके ऊपर फिर कैराटिन की लेयर है। कैराटिन इज अ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन सेल्स, कैराटिनोसाइट्स होते हैं स्किन में, वो कैराटिन प्रोटीन बनाते हैं और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारी स्किन पे बनाती है। अच्छा, स्टेम सेल स्ट्रेटम बेजाइल के सेल जो ये सारी लेयर्स बनाते हैं, वो उनकी प्रोडक्शन यंग एज में ज्यादा होती है, नए नए स्टेम सेल्स आते हैं और नए नए सेल्स ही ऊपर बन के जाते हैं। तो इसमें क्या होता है एजिंग के साथ के स्ट्रेटम बेजाइल के पुराने सेल उधर ही पड़े रहते हैं, पुराने सेल्स पड़े रहते हैं, नया सेल टर्नओवर नहीं होता, सेल टर्नओवर बहुत स्लो हो जाता है, पुराने ही सेल पड़े रहते हैं। तो जब पुराना सेल होगा तो वो कैसा होगा? लार्ज इन साइज, इरेगुलर इन शेप, तो ऐसा होगा। यानी कि जो सेल पहले हफ्ते में नया बन के नीचे से आ जाता था, अब वो महीना उधर ही पड़ा रहता है, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। तो इससे क्या होगा? सेल्स पुराने हैं तो दे आर मोर वल्नरेबल टू इंजरी, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एक पुराना कपड़ा है वो वीक है, एक नया कपड़ा है उसका टेक्सचर अच्छा है, वो बिल्कुल नया है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्टेम सेल प्रोडक्शन डिक्लाइंस फिगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक 20 साल का बंदा, उसे स्किन पे कोई कट लगा है, वो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक 75 ईयर्स का बंदा है, उसका वही छोटा सा स्किन इंजरी जो है वो 2 हफ्ते लेगी अच्छी तरह से हील होने में। क्यों? बिकॉज द ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन हैज बीन डिक्रीज्ड विद एजिंग। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, डर्मिस में ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। मैक्रोफेजेस आपको पता है WBC, हमारी स्किन, हमारी जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स में स्पेशल है मैक्रोफेजेस, कोई बैक्टीरिया वायरस फॉरन बॉडी आती है फॉरन उसको वो एंगल्फ कर लेता है, उसको डेड करता है, उसको उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, स्किन की ब्लड सप्लाई एजिंग के साथ डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हीलिंग पावर भी कम हो जाती है। इसके अलावा स्किन में नीचे डर्मिस में होते हैं स्वेट ग्लैंड जो पसीना बनाते हैं और हमारी बॉडी की हीट लूज करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पसीना आएगा और वो ड्राई होगा, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी भी कम हो गई, ब्लड सप्लाई भी कम हो गई, सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी भी कम हो गई। तो ये सारी चीजें मिलके एबिलिटी टू लूज हीट विल बी डिक्रीज्ड विद ओल्ड एज। सो गर्मियों में वो जल्दी, उनकी बॉडी गर्म हो सकती है, सर्दियों में उनकी बॉडी जल्दी ठंडी हो सकती है। यानी कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर विल अफेक्ट मोर एन ओल्ड पर्सन एज कम्पेयर टू अ यंग पर्सन। यंग पर्सन की जो स्किन है उसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ज्यादा अच्छा किरदार अदा करती है, जबकि ओल्ड पेशेंट की जो स्किन है वो इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही होती, इसलिए उसको गर्मियों में गर्मी से बचाना और सर्दियों में सर्दी से बचाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्किन की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, इससे भी हीट लॉस पे फर्क पड़ेगा, और स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इससे भी हीट लॉस के ऊपर फर्क पड़ेगा। मैक्रोफेजेस जो कि इम्यून सिस्टम स्किन का 50% रह जाती है, पहले एक जगह पे 100 पड़े हुए थे, ओल्ड एज में 50 पड़े हुए, तो जाहिर है नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस, नंबर ऑफ WBCs आर लेस, इसका मतलब है स्किन का इम्यून सिस्टम हो गया है
weak, now the skin is more vulnerable to injury bacteria virus. Iske ilawa, skin mein melanin production. Melanin is a pigment, aap sabko pata hai. स्किन में मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि मेलानिन बनाते हैं. ये मेलानिन बड़े ही काम की चीज है. गोरों में मेलानिन कम होता है, वो गोरे होते हैं. नीग्रोज में सबसे ज्यादा होता है, वो काले होते हैं. हम जो है, हमें दरमाना होता है, हमारा वीकिश गंदमी कम्प्लेक्शन होता है. तो सारी दुनिया मेलानिन के बहुत पीछे पड़ी रहती है क्योंकि हम गोरा होना चाहते हैं. लेकिन बात यह है कि मेलानिन बहुत काम की चीज है. वो कैसे? मेलानिन जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज और सन रेज के अंदर ही अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो भी, उनसे हमारी स्किन की हिफाजत करता है और एंटी कैंसर है, कैंसर से हमें बचाता है, स्किन कैंसर से हमें बचाता है. अल्ट्रावायलेट रेज जो स्किन डैमेज और एजिंग करती हैं उससे हमें बचाता है. ठीक है, तो मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है विद एजिंग, जिसकी वजह से स्किन इज नाउ मोर वल्नरेबल, मोर ससेप्टेबल टू सनबर्न एंड स्किन कैंसर. ठीक है, और किसी किसी जगह पे मेलानिन जो है वो डी प्रोग्रामिंग होके ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से एज स्पॉट्स, ये जी काले काले पिक पहले तो नहीं थे, अब आप 60-70 में आना शुरू हो गए. तो किसी किसी जगह पे, और आप तो कहते हैं कि ये बंदा जवानी में तो सांवला सा था, अब तो बुढ़ापे में तो ये गोरा हो गया है. तो बात यह है कि मेलानोसाइट्स दे आर उनकी वो एजिंग हो गई है, वो कम हो गए हैं क्वांटिटी में, तो मेलानिन कम बनाते हैं, तो स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है वो पेल हो जाता है. एक्चुअली गोरा नहीं होता, वो पेल हो जाता है. एनी हाउ, सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी, सेबेशियस ग्लैंड जो है वो नेचुरल मॉइस्चराइजर हमारा प्रोड्यूस करते हैं. ये भी डर्मस में स्पेशल ग्लैंड होते हैं, और इनकी जो डक्ट है ना वो हेयर फॉलिकल के अंदर, हेयर फॉलिकल में खुल रही होती है, और हेयर फॉलिकल जैसे बाहर आ रहा होता है तो उसके साथ ही इस सेक्रेशन को हम कहते हैं सीबम, SEBUM, सीबम. तो ये कुदरती लोशन बनाता है हमारी स्किन के लिए. सीबम हेयर बेरिंग एरिया पे होते हैं ये, क्योंकि हेयर फॉलिकल के साथ ही होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स. सेबेशियस सिस्ट भी बन जाती है, फिर उसकी सर्जरी करानी पड़ती है. ठीक है, अच्छा, तो सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी भी डिक्लाइन कर जाती है, कम हो जाती है, ऐसे ही जैसे स्वेट ग्लैंड कम हो जाते हैं, नंबर उनका कम हो जाता है ना, तो स्वेट भी कम प्रोड्यूस होगा, सीबम भी कम प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो अब पसीना भी कम आएगा ऐसे पेशेंट को. ठीक है, तो जब पसीना कम आएगा, सीबम नेचुरल मॉइस्चराइजर, अब सीबम कम बन रहा है, सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्रीज हुई भी है, तो ऐसी स्किन जो है वो अब हो जाएगी ड्राई. ड्राई हो जाएगी तो इस स्किन को इंजरी का ज्यादा चांस है, इसलिए इस स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज रखना ज्यादा जरूरी है. आप किसी अबव 60 जो है अपने घर के फैमिली मेंबर के हैंड देखें, वो आपको आपकी निस्बत ज्यादा ड्राई लगेंगे, क्योंकि आप जो है, जो आपकी एज है उसमें स्किन में नेचुरली तौर पे बहुत सी चीजें बन रही हैं और उनके नहीं बन रही, तो उनको ज्यादा मॉइस्चराइज, अपने बॉडी पार्ट्स को रखने की ज्यादा मॉइस्चराइज रखने की जरूरत है, सो दैट के वो हाइड्रेटेड रहे और स्किन इंजरी जो है उसके चांसेस कम हो. अच्छा, ओल्ड एज में पेशेंट की स्किन जो है वो ढलक जाती है. ठीक है, स्किन ढलक जाती है, वो कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर स्किन में होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, उसके नीचे सबकुटेनियस फैट. ये सबकुटेनियस फैट और उसमें ढेर सारा कॉलेजन होता है डर्मिस में भी, और सबकुटेनियस फैट के साथ भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये लॉस हो जाता है. सबकुटेनियस फैट कम रह जाती है और कॉलेजन कम रह जाता है, इसीलिए कॉलेजन के फिलर्स लगाते हैं ना ओल्ड एज में. तो ये चीजें जब कम रह जाती हैं, स्किन जिसको इसने सपोर्ट किया हुआ था वो सपोर्ट लॉस हो गई कॉलेजन की, सबकुटेनियस फैट की, तो स्किन ढलक जाती है. ठीक है जी, ड्यू टू लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट एंड कॉलेजन इन द अंडरलाइंग टिश्यू, इट कॉजेस द इंटेग्यूमेंट, यानी स्किन टू बिकम वीक. ठीक है, जिसकी वजह से सैगिंग एंड रिंकलिंग, सैगिंग ढलक जाना, रिंकलिंग झुर्रियां पड़ना. तो ये जो दोनों प्रॉब्लम होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट एंड कॉलेजन इन द अंडरलाइंग टिश्यू. ठीक है, जो स्किन को वीक करेंगे और सैगिंग करेंगे और रिंकलिंग करेंगे. ठीक है जी, और इसके अलावा वास्कुलर सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन स्किन की और सबकुटेनियस टिश्यूज की एजिंग के साथ कम हुई भी है, जिसकी वजह से हीलिंग पावर कम हो जाती है. अच्छा, और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि वास्कुलर सप्लाई ऑफ द नेल बेड डिक्रीजेस, तो उससे क्या होगा? आप ओल्ड पेशेंट के ओल्ड एज में नेल देखें, मोटे मोटे नेल, बहुत जो है वो कमजोर से, ठीक है,
और मोटे किस लिए होती है, टर्नओवर अच्छा नहीं होता ना, ठीक है, ब्रिटल इजीली टूट जाने वाले, ब्रिटल नेल, ठीक है, थिक नेल, ठीक है, और इस तरह के नेल होते हैं. क्यों? ब्लड सप्लाई नहीं है. ब्लड सप्लाई आएगी, ऑक्सीजन आएगी, न्यूट्रिएंट आएगी, टिश्यू हेल्दी रहेगा, ये सब चीजें कम हो जाएंगी, टिश्यू नॉन हेल्दी होगा. तो ऐसे नेल ओल्ड एज में कैसे हो जाएंगे, डल, ब्रिटल, ठीक है, और एनलार्ज्ड थिक किस्म के नेल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द लेस वास्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ द नेल बेड. नेल बेड नेल को फीड कर रहा है ना, तो वहां से फीड कम आ रही है, तो नेल की फिर हालत इस तरह से उनके ऊपर रिजेस बन जाएंगे, वो टूटेंगे आसानी से, मोटे मोटे हो जाएंगे, आपको लगेगा शायद फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन वो नॉर्मल एजिंग का चेंज भी है और फंगल इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं जाएगा फिर मेल के ओल्ड एज के साथ. कैंसर आर मोर कॉमन. क्यों? डिहाइड्रेशन हो रही है, सीबम नहीं बन रहा, ब्लड सर्कुलेशन कम है, मेलानिन कम है, तो यूवी लाइट को, यूवी रेज को, सन रेज को प्रोटेक्शन कम है, वो करती हैं कार्सिनोमा. तो कार्सिनोमा का ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है ओल्ड एज में बिकॉज स्किन नॉन हेल्दी है एज कम्पेयर टू यंग एज. स्किन जो है वो ओल्ड एज में इतनी हेल्दी नहीं है कि वो इतनी रेजिलियंट नहीं है, इतनी रेजिस्टेंस नहीं दे सकती ना यूवी रेज को, ना किसी किस्म के बैक्टीरिया वायरस. इन्फेक्शन जो पुराने पड़े रहते हैं, कोई भी पुराना इन्फेक्शन वो भी कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है, कोई भी, क्योंकि इन्फेक्शन कॉजेज इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन अगर एक्यूटली सेटल डाउन नहीं हुई तो क्या बन जाएगी, आपने पैथो 1 में पढ़ा होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में सालों जो है वो ईयर एंड ईयर चलता रहता है, और एक दिन जाके वहां पे कार्सिनोमेटस चेंज भी आ सकता है. तो कैंसर्स आर मोर कॉमन बिकॉज पुराने सेल पड़ेंगे, वो जो पुराने सेल है उनमें इंजरी का यूवी रेज की वजह से ज्यादा चांस है. नए सेल होते, हेल्दी सेल होते, उनमें इंजरी का कम चांस था, ठीक है. तो ये सेल का टर्नओवर कम है एल्डरली स्किन में और मेलानिन कम है, इसकी वजह से कैंसर्स आर मोर कॉमन. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे. एनी क्वेश्चन? ये आपका जो लेक्चर है ना आपके LMS के ऊपर, ये मैंने ये लेक्चर पहले भी लिया है एक आध दिन पहले, तो मैंने वो इसको मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड कर चुकी हूँ. और बाकी जो आपका सारे का सारा ये है ना कोर्स, क्योंकि हमारा 2 credit hour का कोर्स है, तो आइडियली हमारे 20 lecture होने चाहिए. हम 16-17 lecture पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके लगभग. ये सारे लेक्चर मैंने आपको एक फाइल में डाल के आपकी जो है ना वो सेक्शन ए बी और सी है मेरे पास, उनके मैं ईमेल टाइटल बना रही हूँ. ये सारे 16-17 lecture मैंने आपको एक ही दफा ईमेल कर देने हैं, ताकि ये आपके पास सारा टाइम मौजूद हो और आप जब चाहें इन्हें पढ़ें, ठीक है. रिकॉर्डिंग साथ साथ अपलोड होगी और सारे जो लेक्चर की PPT है वो आपको इस हफ्ते में सबको मिल जाएंगे जितने पैथोलॉजी में. जी मैम, प्राइमरी और सेकेंडरी लियन दोबारा बता दें. मैम मुझे LMS पे सिटिल मैम मरियम फातिमा शो हो रहा. अच्छा, पहले सवाल का जवाब दे दूं. प्राइमरी लियन और सेकेंडरी. प्राइमरी लियन वो जो स्किन की अपनी डिजीज है और अंदर कुछ नहीं है, वो प्राइमरी लियन. और इंटरनल किसी डिजीज की वजह से स्किन पे भी अफेक्ट आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, खसरा है, वो अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन, ठीक है, लेकिन उसमें उसके लियन आपको बॉडी पे भी नजर आ रहे हैं, तो वो होगा सेकेंडरी लियन, ठीक है. और ठीक है, और जो सिर्फ स्किन डिजीज होगी फॉर एग्जाम्पल एब्सेस, तो वो प्राइमरी लियन, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है. और जो है वो जो किसी इंटरनल डिजीज, इंटरनल बॉडी ऑर्गन की डिजीज की वजह से जो स्किन के ऊपर सेकेंडरी एक रैश आएगा या लियन आएगा, उसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी लियन है. हाँ जी, हाँ जी, बच्चा क्या पूछ रहा था? मैम मुझे LMS पे स्टिल मैम द रिसोर्स पर्सन. हाँ जी, क्या आपके रिसोर्स पर्सन को? मैं मतलब आप LMS में मेन रोल नहीं है, मतलब जिनका सेक्शन चेंज हुआ है. अच्छा, हाँ जी, उनको क्या हुआ? मैम वो हमारा ना मतलब पहले डॉक्टर मरियम फातिमा था, फिर आपके पास हमें शिफ्ट कर दिया गया, इसलिए हम मैम LMS पे एनरोल नहीं है, तो आप हमें एनरोल कर दें. हम करेंगे. मुझे आप जितने बच्चे एनरोल नहीं है वो मुझे ईमेल करें, मैं उनको एनरोल कर देती हूं, ठीक है जी. थैंक यू मैम. एक्सक्यूज मी मैम,
पे एनरोल नहीं है, वो मुझे कोशिश करें कि आप एक ही मेल में सबका नाम लिख दें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेल्स आती हैं तो फिर उसमें लोग रह जाएंगे। आप एक मेल में काइंडली हर सेक्शन का एक मेल बना लें, ठीक है, या मैं आपके ईमेल का जो टाइटल बना के दूंगी उसके अंदर मुझे लिख दें। बहरहाल एक ईमेल में मुझे बताएं कौन कौन से बच्चे एनरोल नहीं है, मैं उन्हें एनरोल कर दूंगी, ठीक है मैम। ईमेल भेज दीजिएगा ताकि मैम मतलब सब बच्चे कर लें। एक ही दिन करें ना, आता कि एक एक दिन की मेल्स में मैं सारी वो देख लूं। आज मुझे मेल कर दें जो बच्चे एनरोल हुए आज के दिन में, आज क्या तारीख है 6 मई, 6 मई को हर वो बच्चा मुझे ईमेल कर दे जो एनरोल नहीं है एलएमएस पे, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं बेटा, एनरोलमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमने पहला लेक्चर पढ़ा, जब हमारे 5 लेक्चर हो जाएंगे तो हम क्लास टेस्ट या क्विज देंगे जिसकी वेटेज 5-10% होगी, मोस्ट प्रोबेबली 10% होगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जिसकी वेटेज 15% होगी। असाइनमेंट जैसे बताया जाएगा वैसे ही बनाएं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, वैसे नहीं बनाएंगे तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जैसे असाइनमेंट होगी वैसे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बेटा आ रही है, बताएं। मैम क्वेश्चन था, जैसे हमने डिजीजेस पढ़ी हैं सारी, प्लेग पढ़ा मतलब बाकी पढ़ी हैं सारी, तो मैम इसके कॉज याद करना जरूरी नहीं है? कॉज अगर याद हो तो अच्छी बात है बेटा। नहीं मैम, इसमें मेंशन नहीं है ना, मैंने वो इसलिए आपसे पूछा है। बेटा कभी बड़ा भी सोचा करें बच्चों। जी मैम बताएं आप। बड़ा सोचा करें आपको आपके प्रेसिडेंट का, जैसे जी जी मैम, जैसे आपने कहा है कोई कंडीशन आपके पास आती है तो आप उसे देख के पता कर लें कि ये कौन सी कंडीशन है। हाँ। तो उसका कॉज हमें पता होना चाहिए, यानी कि बेसिकली अगर पता होगा तो फिर ही हम क्लियर कर सकेंगे ना उसे। प्यारे बेटे मेरी बात सुने, ये तो हमारा लेक्चर 1 है ना, इसमें तो हमने एबीसी पढ़ी है, तो ओके मैम ठीक है। हम सेंटेंसेस अगले, जैसे बीच बीच में ये सब जो मैं आपको, तो ये आपके अगले लेक्चर इंशाल्लाह जब हम इंटेग्रेटेड सिस्टम पूरी कर लेंगे ना तो फिर आपकी ये क्वेरी दूर हो जाएगी, ठीक है जी मैम ठीक है ओके। जैसे आगे देखो हम लेप्रसी पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल है, तो आपने अगर ये लेक्चर आपको याद होगा तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा कि हाइपोपिगमेंटेड यानी दूसरी स्किन से पिगमेंट कम है, यानी वाइट लियन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डार्क लियन। तो मैक्यूल का क्या मतलब है कि हाँ आपको जहन में आ जाएगा कि ये लेस देन 1 सेंटीमीटर था, ठीक है, हाइपोपिगमेंटेड बनते हैं उसमें। तो ये इट्स अ एबीसी ऑफ स्किन लियन, उसमें बीच में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब देखो ये तो जब तुम आगे सोराइसिस पढ़ोगे ना तो तुम्हें फौरन पता चल जाएगा कि ये तो मैंने प्लाक में पढ़ा था, अगर आपको ये लेक्चर याद होगा तो चूंकि आगे वो सब चीजें डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सिर्फ इन लियंस की बात हो रही है कि प्लाक कैसा लियन होता है, मैक्यूल कैसा लियन होता है, पेप्यूल कैसा लियन होता है, पैच कैसा लियन होता है, ठीक है। ओके मैम ठीक है, थैंक यू। एक्टिवल गैरिस तुम पढ़ोगे उसमें तुम देखोगे पस्ट्यूल बने हुए हैं, तो उसमें आप अच्छा डिस्क्राइब कर सकोगे इफ यू नो दिस टर्मिनोलॉजी। जब तक एबीसी नहीं आती हो बच्चा वर्ड्स नहीं बना सकता, जब तक वर्ड्स नहीं बना सकता सेंटेंसेस नहीं बना सकता, तो इट्स एन एबीसी ऑफ स्किन डिजीजेस, ठीक है। ओके मैम। मैम जी बेटा बोलिए। मैम आपका असेसमेंट प्लान क्या है? हाँ मैंने आपको बस बेटा देखो आप कितने हालात खराब हैं, असेसमेंट प्लान दे के ना उसको चेंज नहीं कर सकते, इंक्वायरी हो जाती है, तो इस वजह से आपको लोग असेसमेंट प्लान नहीं दे पाते, ये रीजन है। बहरहाल मैंने आपको पहली दो चीजें बता दी कि जैसे ही आपके 5 लेक्चर इंटेग्रेटेड सिस्टम के हो जाएंगे आपका क्लास टेस्ट या क्विज हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज जिसकी वेटेज आपकी 10% 5-10%। उसके बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगी जिसकी वेटेज आपकी इंशाल्लाह 15% होगी, सेशनल्स आपका 40% और जो है फाइनल आपका 60%। वो 60% अब देखो, अब आप फॉल 2020 को याद करो, पहले क्या हुआ, ये 60% का आपका रिटर्न होने लगा ऑन कैंपस, ऐसे ही है ना, फिर वो जो भी सिलसिला हुआ प्रोटेस्ट हुए जो भी हुआ, तो फिर क्या हो गया कि नहीं जो है वो ऑन कैंपस एग्जाम होना ही नहीं है, तो फिर क्या हो गया कि 35-40% का वाइवा हो गया और 25-20% का LMS बेस्ड रिटर्न एग्जाम हो गया, ठीक है। तो ये चेंजेस फिर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इस ऑनलाइन की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से आपको भी एंड तक प्रॉब्लम रहता है और हमें भी, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने आपको बताया है कि क्विज आपका हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट 5 लेक्चर्स,
और उसके बाद फिर के बाद आपको नेक्स्ट जो हम सिस्टम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी या सीवीएस उसमें से आपको मिल जाएगी असाइनमेंट, ठीक है। उसकी वेटेज 15% होगी। उसके बाद सेशनल्स भी हमने 40% पूरा करना है। फिर आगे हम देख लेंगे, आपसे भी फीडबैक लेंगे कि आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या कोई LMS बेस्ड रिटन एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। एक आपकी क्लास पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। तो इन चार चीजों से आपका सेशनल बन जाएगा, ठीक है। चार चीजों से, क्विज, असाइनमेंट, कोई रिटन एग्जाम ऑब्लिक प्रेजेंटेशन और क्लास पार्टिसिपेशन के 5-10% से आपका 40% सेशनल्स बन जाएगा, ठीक है। और जो 60% फाइनल होगा वो तो फिर तभी पता चलेगा कि अब ऑन कैंपस है, रिटर्न है, ये वो, अभी तो सेमेस्टर चलेगा ना आगे। ठीक है, हाँ बेटा आप जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, मैं भी खत्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।